Hello everyone, lesson number 6, refraction of light. This is 9th video of this lesson and in this video we will see the effect of atmospheric refraction. क्या तुम्हें पता है actually जहाँ पे sun होता है वहाँ पे वो होता नहीं, यानी कि जब sun rise होता है, actually में sun rise होता है उससे 2 मिनट पहले ही हमको sun दिखाई देता है और एक्चुअली में जब सनसेट होता है, सनसेट होने के बाद भी 2 मिनट तक हमको सन दिखाई देता है. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर लाइट रेज को रिफ्रैक्ट करता है. ओके, अब हम देखते हैं कि एक्चुअल सन राइज क्या होता है. सपोज ये अर्थ है और ये सन है और मैं एक यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ. ये है हमारा होराइजन. तो हमें मालूम है होराइजन के ऊपर जब ऊपर की चीजें हमको दिखाई देती हैं और होराइजन के नीचे की चीजें हमको दिखाई नहीं देती हैं. ओके, अभी ये सन होराइजन के नीचे है. अगर यहां से मैं लाइट रेज निकालूंगी तो वो सीधे चले जाएंगे, हमको कुछ ये लाइट रेज सीधा चला जाएगा, हमारे आईज तक नहीं आएगा, नहीं दिखाई देगा. यहां से जब आएगा तो यहाँ पे ही वो ब्लॉक हो जाएगा. अगर सपोज यहाँ पे एक आदमी है तो हमारे आईज तक नहीं जाएगा, वो यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा. तो हमको एक्चुअली में सन दिखना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि यहाँ मैंने अभी तक अर्थ का एटमोस्फियर नहीं निकाला. ओके, तो अभी मैं अर्थ का एटमॉस्फेयर भी निकालती हूँ तो क्या होता है? तो होता क्या है हम देखते हैं. ये अर्थ है, सपोज यहाँ पे एक आदमी खड़ा है. ओके, ये हमारा होराइजन है और यहाँ पे सन है. ओके, और ये है अर्थ का एटमॉस्फेयर. ये अर्थ का क्या है? एटमॉस्फेयर. ये हो गया अर्थ का एटमॉस्फेयर. अभी मैं 2 रेज निकालती हूँ सन से आने वाली. तो एक्चुअली में होता क्या है, ये सन की रेज है, वैसे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है. यहाँ पे उसका स्पीड भी क्या है, ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम है. वैक्यूम में लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा होता है. तो यहाँ पे वो रेज आ गई. यहाँ पे आने के बाद ये रेज क्या हो जाती है, एटमॉस्फेयर हो रहता है. ओके, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में हर पार्ट का टेम्परेचर भी अलग होता है और जब लाइट रेज एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी तो मीडियम चेंज हो जाएगा और एटमॉस्फेयर के अंदर भी एटमॉस्फेयर के बहुत सारे लेयर्स होते हैं. हर लेयर का टेम्परेचर अलग, मीडियम चेंज. जैसे जैसे वो रेज जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर के अंदर जाएंगे मीडियम डेंस भी होता जाएगा. ओके, तो उसकी वजह से क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी. यहाँ पे वैक्यूम में फास्ट लाइट ट्रेवल करेगी, लेकिन एटमॉस्फेयर के अंदर आने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, स्पीड क्या होगा, कम होगा और मीडियम चेंज और मीडियम भी चेंज हो जाएगा. मीडियम चेंज होने के कारण रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो जाएगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने के कारण ये लाइट रे बेंड होगी. ये लाइट रे क्या होगी, बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल. वो क्या होगी, बेंड होगी. ओके, तो ये ऐसे बेंड होगी. सपोज ये ऊपर वाली लाइट रे यहाँ पे बेंड हो गई, ये नीचे वाली लाइट रे एंटर करने के बाद यहाँ बेंड हो गई और बेंड होने के कारण, ये ऐसे बेंड होने के कारण ये रेज हमारे आईज में जाएगी और हमारा ब्रेन उसको पीछे की तरफ स्ट्रेट लाइन में क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा और यहाँ पे इमेज बनाएगा सन की और हमको यहाँ पे सन दिखाई देगा. एक्चुअली में सन होराइजन के नीचे है, लेकिन बिकॉज ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर के कारण ये लाइट रेज जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी मीडियम चेंज हो जाएगा. ओके, और हर
मीडियम चेंज होने के कारण रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होगा और वेलोसिटी ऑफ लाइट भी कम हो जाएगी और लाइट रे बेंड होगी, तो वो स्ट्रेट इंस्टेड ऑफ ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करेगी, वो क्या होगी, बेंड होगी। ओके, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया है। अगर यू विल फाइंड डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, यू कैन वॉच प्रीवियस वीडियोज ऑल्सो। वो लाइट रेज बेंड होगी एटमोस्फियर के कारण, और बेंड होने के कारण बेंड होगी और हमारा ब्रेन उसको सीधे पीछे लाइन में क्या करेगा, उसको पीछे, हमारा ब्रेन लाइट को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेगा और हम यहां पे वो इमेज बनाएगा। जहां पे लाइट रेज इंटरसेक्ट होगी वहां पे सन का इमेज बनाएगा और हमको यहाँ पे सन दिखाई देगा। मीन्स सनराइज होने से पहले ही 2 मिनट हमको ये सन ऑलरेडी दिखने वाला है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, मीडियम चेंज होने के कारण लाइट रिफ्रैक्ट हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी कम होगी और हर जगह का जैसे जैसे वो एटमोस्फेयर में एंटर करेगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता हुआ जाएगा और उसके कारण वो लाइट रे बेंड होगी और बेंड होने के बाद जब वो हमारे आईज तक पहुंचेगी हमारा ब्रेन उसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेगा और यहाँ पे हमको सन दिखाएगा, उसकी सन की इमेज फॉर्म करेगा अबव द होराइजन। यहाँ पे हमको सन दिखने वाला है, तो 2 मिनट ही पहले हमको सन दिखाई देता है। वैसे ही सनसेट के समय भी होता है, सनसेट के समय भी जब सन नीचे होराइजन के नीचे यहाँ पे आता है फिर भी सन की लाइट ऐसे ही ट्रैवल करेगी और जब एटमॉस्फेयर आएगा वो बेंड हो जाएगी और बेंड होने के कारण हम अगेन हमारे सन की इमेज यहाँ पे स्ट्रेट प्रोड्यूस होगी, तो सन सेट होने के बाद भी हमको ऊपर ही सन दिखने वाला है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सन नीचे आने के बाद आफ्टर सनसेट, सपोज सनसेट हुआ है, सनसेट के बाद ये क्या हो गया, सन होराइजन के नीचे आया, अगेन ये लाइट रेज यहाँ पे आने वाली है और एटमॉस्फेयर की वजह से वो नीचे की तरफ बेंड होगी, नीचे की तरफ बेंड होने के बाद हमारा ब्रेन उसको फिर से पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेगा और यहाँ पे ही हमको सन दिखने वाला है। एक्चुअली में वो सनसेट हो चुका है फिर भी हमको होराइजन के ऊपर ही दिखने वाला है, तो बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एटमोस्फेयर के कारण, जब एटमोस्फेयर के कारण लाइट का रिफ्रैक्शन होता है और उसकी वजह से सनराइज होने से 2 मिनट पहले ही हमको सन एटमोस्फेयर में दिखता है और सनसेट होने के बाद भी हमको सन 2 मिनट एटमोस्फेयर में दिखता है। ओके, थैंक यू।